जिससे हमने क्लाइंट अपना आज सिक्योर किया, जो कि दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनी में था, दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनी में उनका नाम था और उनके रेवेन्यूज बिलियंस ऑफ डॉलर से ऊपर थे साल के, और वो आज 10 साल से हमारे पार्टनर हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फहद खान और हम बात कर रहे हैं 5 सीक्रेट ऑफ सक्सेस पे, 5 ऐसी चीजें जो हमें जिंदगी में आगे निकाल सकती है, जो कि दुनिया के सबसे कामयाब तरीन लोगों ने अपनी जिंदगी में डाली हैं। आज हम बात करेंगे सीक्रेट नंबर 4 की। ये चौथा सीक्रेट क्या है? जिस तरह मैंने पिछले एपिसोड में बात की थी, पहला था कि हमने दिमाग को फीड करना है, दूसरा था हमने अपनी बॉडी को, तीसरा मेंटर। ये जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी सीक्रेट है, क्योंकि मैं कोई 20 चीजें बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 5 चीजों की बात कर रहा हूं। तो चौथा नंबर था, मैं कहता हूं प्रॉक्सिमिटी। ये प्रॉक्सिमिटी क्या होती है? हमारा सराउंडिंग। कई दफा आपने सुना होगा घरों में क्या हो जाता है कि हमारे बच्चे की कंपनी खराब थी, सोहबत खराब थी, बच्चा हमारा बिगड़ गया। ये हमेशा हम नेगेटिव टर्म में ज्यादा यूज करते हैं। हमारी कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे नेटवर्क में कौन है। मेरे लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ 5 बंदे हम उनकी एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। आप कौन से वो 5 लोगों के साथ टाइम गुजार रहे हैं सबसे ज्यादा? 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचें, मैं किन लोगों के साथ अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा टाइम गुजारता हूँ? कौन वो मेरे दोस्त हैं? कौन मेरे वो कलीग्स हैं? अगर आप इसको आंसर करेंगे और फिर आप रिफ्लेक्ट करें अपने पे, आप उनकी एवरेज हैं। अगर आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत ही स्ट्रांग माइंडेड, शायद आप उन 5 लोगों को चेंज करके सिर्फ अपनी तरह बना लें, लेकिन 95% जो हम लोग हैं, हम सारे एक जैसे ही हो जाते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में, कई दफा हमने देखा है कि अगर 2-3 तरह के ग्रुप्स होते हैं, कुछ होते हैं लाइकों का ग्रुप, पढ़ाकू ग्रुप होता है, सारे पढ़ाकू, उसमें सारे वो एज वाले स्टूडेंट्स होंगे। फिर होगा कुछ स्टूडेंट होंगे सारे दिन बैठ के म्यूजिक बजाते रहेंगे, वो सारे म्यूजिक बजाने वाले कहेंगे चल यार चिल मारे, शुगर लगाए, आप भी उसी तरह बन जाते हैं। तो कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, स्पेशली जब आप यूनिवर्सिटी में हो या वर्क प्लेस में भी हो। लेकिन मैं सिर्फ कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं और बात कर रहा हूँ प्रॉक्सिमिटी, आपके नेटवर्क में लोग कौन है। अगर मैं बिजनेस का हूँ, मेरे पास के कौन से ऐसे बंदे हैं जिनको मैं कॉल लगा सकता हूँ अगर मुझे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, कि मुझे कोई ऐसा बंदा हो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर हो मेरे पास होना चाहिए, अगर मुझे कोई ऐसा लॉयर चाहिए जो मेरा पेपर वर्क राइट अवे अप्रूव कर दे, ऑडिट कर दे, वो चीजें आपके नेटवर्क में चाहिए। यहाँ पे मैं वो बात नहीं करके सिफारिश की कि आपके किसकी सिफारिश लगेगी, सिफारिश की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको कौन कनेक्टेड लोग हैं, आपको वो बढ़ाना है अपना। ये कैसे बढ़ा सकते हैं? मेरे लिए, मैं खुद एक तो स्पीकर भी, मैं काफी इवेंट्स पे होता हूँ, मैं तरह तरह के इवेंट्स जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बिजनेस के भी होते हैं, कई होते हैं जहाँ पे मैं जाके सर्व कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ पे मैं लोगों से मिल रहा हूँ, मैं हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड, मैं इसकी जिंदगी में कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ और वो बंदा मेरी जिंदगी में वैल्यू कैसे ऐड कर सकता है। तो सर्कल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली ज्यादा टाइम 4-5 लोगों के साथ लगाता हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मुझे भी ऊपर उठाते हैं और मैं उनको भी ऊपर उठा सकता हूँ। तो जो अपलिफ्टिंग है, जो लोग ऊपर से ही बंदे को नीचे ड्रैग कर रहे हैं, यार तू ना कर, चिल कर, बैठ, ये कर, तू कर ही नहीं सकता, मैं मिलूंगा जरूर, अगर वो दोस्त यार है, रिलेटिव है, सर्कल में मिलूंगा जरूर, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का बड़ा टाइम उनको नहीं दूंगा। मैं मिलेंगे, बैठेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे, लेकिन रोज रोज आप उनके साथ टाइम नहीं लगाएंगे, वो मैं नहीं करता। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा, अगर अपनी प्रॉक्सिमिटी बढ़ाई जाए, मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी जिंदगी में इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों था। आज हमारी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है मार्केटिंग की कैनेडा में, पिछले 3 साल से जो वो बिजनेस हमने 10 साल पहले इस वक्त शुरू किया था, उस बिजनेस में शुरुआत के दिन में ना तो हमारे पास इतना बड़ा कैपिटल पैसे थे, ना ही हमारा एक्सपीरियंस था, नया बिजनेस था, 23 साल का मैं था तब, तो कैसे हम आगे लगे थे। उसमें सबसे बड़ा जो रोल था ना हमारा, वो था प्रॉक्सिमिटी का, कि हम किस सर्कल में घूम रहे हैं। तो हमने उस सर्कल के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग, बातचीत थी, वहां से हमें एंट्री मिली, एक लीड मिली, जिससे हमने क्लाइंट अपना सिक्योर किया, जो कि दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनी में था, दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनी में उनका नाम था और उनके रेवेन्यूज बिलियंस ऑफ डॉलर से ऊपर थे साल के, और वो आज 10 साल से हमारे पार्टनर हैं। इतना इंपॉर्टेंट रोल प्रॉक्सिमिटी का है। तो भाइयों, दोस्तों, प्लीज वर्क ऑन योर प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चूज आपने अपने दोस्त कौन ढूंढने हैं, आपके इनके साथ टाइम लगाना है। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अगर आपको ये मैसेज पसंद आया तो जरूर ये मैसेज शेयर करें किसी से जिसकी जिंदगी में हेल्प कर सकते हैं आप,
और अगर आप इसे ज्यादा सुनना चाहते हैं और अच्छी चीजें इस तरह की, सीक्रेट नंबर 5 आएगा जो इसका लिंक नीचे है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात।